नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार महा एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने आज का टॉपिक का टाइटल पढ़ा होगा, आज हम संख्या और जो वर्कीय हड़ताल है गोल्डन कलर की, उसका दाब बनाने वाले हैं। तो काफ़ी बेहतरीन आज का एक्सपेरिमेंट है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये दो चीज़ें ले रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। ये गोल्डन कलर की जो लेयर वाली वर्किया हड़ताल है, जिससे गोल्डन कलर की पतरी सी निकलती है, ये मैंने 100 ग्राम लिए है। और ये संख्या है जो पीले कलर का, वो भी 105 ग्राम है, लगभग 100-100 ग्राम की ये दोनों चीज़ें हैं। एक देखिए 105 ग्राम ये है। तो सबसे पहले हम संख्या को बारीक पाउडर कर लेंगे हमेशा की तरह। बेसिकली दोनों जो चीज़ें हैं, वर्किया हड़ताल और संख्या, दोनों का पाउडर कर लेना है। यहाँ पे मैं आपका थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि समय बचे, और इसको खरल करके पूरा एकदम पाउडर कर लेना है। तो चलिए, इसका पाउडर कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। ये देखिए, इस पाउडर को हम एक छोटी जो कटोरी है कांच की, उसमें डाल देंगे। तो ये जो पाउडर है, चलिए मैं इसमें इसको डाल देता हूँ। और आगे जो हमारा वर्किया हड़ताल है, ये संख्या का पाउडर इस वाटी में मैंने डाल दिया है, और वर्किया हड़ताल को भी इसी तरह बारीक पाउडर कर लेंगे। ये जो वर्किया हड़ताल है, ये काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास, ये थोड़ी महंगी आती है एक्चुअली, क्या है इसके रेट थोड़े ज़्यादा है। अगर आपके पास हरियावल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन वर्किया हड़ताल है ये, जो हमारी वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो इसको भी मैंने पीस लिया है, इस तरह से इसको पीसा है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं पारी किया, बस दोनों को इस तरह से पीस के एक बाजू में बाटी में रख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला स्टेप कर लेते हैं। ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा तो आप चाहे तो वेबसाइट पे है हमारी ये, या तो ये लोकल मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये 250 ग्राम हम कास्टिक सोडा, एक स्टील का कढ़ाई है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐसे डब्बे में या कुछ भी स्टील का बर्तन लीजिए, नहीं तो कांच का मत लीजिए, तो ये खंगर सा बन जाता है ना बाद में, तो फिर टूट जाती है, बीकर वगैरह रहती है। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो अभी हमें इसका एक्सपेरिमेंट करना है, तो इसको बाजू में रख देते हैं। अरे ये तो गिर रहा है यार, तो मैंने इसके ऊपर ये डब्बा रख दिया है फिलहाल। और इसको जैसे ये पूरा लिक्विड बन जाएगा कास्टिक सोडा, तो हम इसमें जो ये हड़ताल और संख्या है, दोनों जो पीस लिए हमने, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम शामिल कर देंगे। सबसे पहले जब तेल हो जाएगा ये पूरा कास्टिक सोडा, तो हम संख्या को डालेंगे, बाद में वर्किया हड़ताल डालेंगे। तो ये चम्मच से हम इसको थोड़ा 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 करके इसमें शामिल करेंगे। जैसे इसमें हम ये डालेंगे चुटकी चुटकी, तो ये पूरा इसमें अंदर शामिल हो जाएगा लिक्विड में, ये पूरा एकदम घुस जाएगा और ये दाब बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे धीरे 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 करके डाल देना है इसमें। एकदम से नहीं डालना है, नहीं तो वो एकदम जमा हो जाता है, जैसे कि साइड में दिख रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये पूरा इसमें डालते जाना है। जब पहली चुटकी ख़त्म हो जाए तो दूसरी डालिए, ऐसा करके पूरी जो संख्या है इसमें शामिल कर देंगे हम। धुआँ, इस धुएँ से थोड़ा बच के रहना होता है, ये थोड़ा अगर नाक में चला जाता है तो आप तो जानते हैं संख्या का धुआँ, बेसिकली सभी आर्सेनिक है ये, तो संभल के काम करना होता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब ये खंगर सा बन, देखिए खंगर सा बनेगा ये। और ये धीरे धीरे धीरे, जब ये कास्टिक सोडा जो पानी है इसमें का ख़त्म हो जाएगा, तो ये खंगर बन जाएगा पूरा। अब हम जो वर्किया हड़ताल है, ये भी इसमें ऐसे ही धीरे धीरे करके ये डालेंगे। और इसको लोहे की रॉड है आपके पास, तो उससे अच्छे से हिलाते रहिए। अभी एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, एक तार से हिला रहा हूँ मैं इसको, लेकिन बड़ी सी कोई रॉड हो तो अच्छी, उससे
पकड़ से पकड़ के डब्बे को या जो भी बर्तन आप लेते हैं तो उसको अच्छे से हिलाइए। एक हाथ में कैमरा है मोबाइल तो दिक्कत आती है थोड़ी, तो कभी कभी एक आधा शॉट लेना होता है लेकिन मैं छूट जाता है, वो ऐसे काम की जल्दबाजी हो जाती है ना तो वो छूट जाता है। लेकिन मैं काफ़ी याद रखता हूँ कि जो चीज़ है कोई ना छूटे, प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश मैं हरदम करता हूँ। ये इस तरह से पूरी जो वर्किया हड़ताल है इसमें मैंने शामिल कर दी और ये इस तरह खंगर बन गया। अब इसको पीस लेंगे हम लोग। ये देखिए डब्बे को काफ़ी बुरी तरह चिपक गया है, निकल जाता है ये, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेंगे। अब इसको हम पीसेंगे, बारीक पाउडर करेंगे थोड़ा, और फिर से इसको बड़ी कढ़ाई लेंगे एक स्टील की मोटी परत वाली और उसमें पकाएंगे। देखिए इसको मैंने पाउडर कर लिया है इस तरह से, ये थोड़ा सा ब्लैक ऑफ वाइट बोल सकते हैं इसको, तो ये बन गया है। तो इसको हम रख देंगे अभी स्टोव पे और इसको अभी जब तक इसमें से धुआं निकलता है इसको ऐसे ही पकाना है। खंगर सा बनेगा तो फिर से निकाल के खरल करके ऐसे दो चार बार करेंगे ना तो ये पूरा एकदम दाब अपनी रेडी हो जाएगी। अभी इसमें संख्या है, वर्किया हड़ताल है, इसमें आप चाहे तो पका लीजिए कोई भी चीज़। ये देखिए इस तरह से ये दाब बन रही है। अभी ये कलर जो है इसका लाल दिख रहा है लेकिन जैसे ठंडा होता है ये तो पीले कलर का हो जाता है। अभी देखिए इसके जो ये स्टोन से बन गए हैं पत्थर, तो इसको फिर से पीसना होगा हमें ताकि अच्छे से ये पके। जब ये ठोस बन जाता है तो फिर पकने में दिक्कत हो जाती है, तो फिर बार बार इसको ऐसे निकाल के खरल में डाल के पाउडर करके पकाना होता है इसको। तो इसको फिर से मैं पाउडर कर लेता हूँ। तो ये पाउडर करने के बाद फिर से सेम इसी तरह हमें इसको स्टोव पे रख देना है और इसी तरह इसको जब तक इसमें से धुआं पूरा ख़त्म नहीं होता तब तक इसको पकाते रहना है। यानी ये दाब जो है हमें कायम बनानी है ना, धुआं ख़त्म होगा तभी तो ये कायम होगी। ये देखिए अभी भी धुआं है इसमें, अब जब तक ये पूरा धुआं नहीं ख़त्म होता तब तक हम इसको पकाएंगे। इस तरह से ये बनेगी और एक समय ऐसा आएगा कि जो कास्टिक है आपको सफ़ेद कलर का लास्ट में अलग दिखाई देगा तो समझ जाना है कि ये पक गई है। ये देखिए कास्टिक अलग हो रहा है, ये जो बड़े बड़े से सफ़ेद आपको दिख रहे हैं ना स्टोन, तो ये कास्टिक के थे। अब इसको मैंने, ये हो गया है, इसको पीस रहा हूँ मैं पाउडर करके, इसका वज़न करेंगे। ये उतनी ही वज़न में निकलती है, अभी वज़न देखे 435 ग्राम है, 15 ग्राम लगभग कम हो गई क्योंकि हमारा जो कास्टिक था वो 250 ग्राम था और 100 ग्राम मतलब 200 ग्राम हमारी चीज़ें थी, तो ऐसा 450 ग्राम मिलनी चाहिए थी लेकिन 15 ग्राम उतना उड़ गया होगा कास्टिक। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।